रमनी ने आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं खास मेहमान एलियन फैंस एडवाइजर्स के फाउंडर सीईओ नीरव पंचमतिया। देखिए अगला सवाल नई दिल्ली से मोहम्मद इकबाल हमारे साथ है। इकबाल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। मैडम मेरा सवाल ये है कि मुझे एक बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार करना है और मैंने अभी टॉप 200 स्टार्ट किया है, 300 रुपीज पर मंथ एसआई पी। तो मुझे इसी में और ज्यादा बढ़ाना चाहिए या कोई दूसरा स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा, ये जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्रिएट करना है वो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट होगा इकबाल जी? जैसे मेरे दो छोटे बच्चे हैं, मेरी उम्र है करीब 35 साल, तो पढ़ाई का इंतजाम तो करना चाहिए। एक बार सोचा पढ़ाई पे खर्च करेंगे या 15 लाख पर भी 15? और बच्चों की उम्र क्या है आपको क्या बताओ? एक बच्चा है 4 साल का और बच्ची है करीब 13 साल की। अपने पूरे इन्वेस्टमेंट से बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है कैसे निवेश करें। सेविंग बता रहे हैं इकबाल जी की मेन है निवेश का, भले ही एक इन्वेस्टमेंट है इसकी ऐसा की चल रही है, क्या सलाह देंगे ये प्रोसेस पिकअप करने के लिए क्या करें? आपने बताया यूएस आप करीबन की और करीबन 40-45 हजार कमाते हैं, बच्चे हैं आपके। आपने इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताया कि आपको एक विलेज है जिसमें 30 हजार पर एनम पे करते हैं और एक एल आई सी प्लान है जिसमें 10 हजार पर जैसे आपने पहले सवाल में भी बताया था, एक तो मैं अपने सभी यूएस के लिए बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अंतर्गत इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। अगर हम देखें कि 40 हजार का सालाना प्रीमियम पे करते हैं तो उसको 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। देखिए मोहम्मद जी, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इस पेशेंट के लिए होता है जिसका नंबर आप नहीं, अगर अकाल छुट्टी हो जाती है जब तक जो कमाई करने वाला मेंबर है तो फैमिली को कितना पैसा चाहिए। दूसरा आपने फैमिली के हर मेंबर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, आप फैमिली फ्यूचर प्लान ले सकते हो जिसमें 2.5 लाख या 3 लाख का अगर मेडिकल इंश्योरेंस है तो 4 मेंबर फैमिली के कवर होते हैं। उसके बाद में आपने जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपको म्यूचुअल फंड में करना चाहिए ना कि किसी सीरियस प्लान में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर अभी ना कोई एंट्री लोड लगता है, इसमें आपको कोई कमीशन एक्सपेंसिस लगता है, कोई पूरा ही महंगाई होती है, पूरा इन्वेस्टमेंट होता है। तो और आपका अगर एक्सपेंसिस देखे 25 से 25 यूनिट का प्रीमियम आता है प्रति मंथ, एल आई सी का प्रीमियम तो सारे आपके आता है, उसके अलावा 24 हजार के करीब आपका साल का इंश्योरेंस प्रीमियम आता है जो 2000 रुपये वो निकाल के 10 हजार करके आपके बच्चे आपने एक्सपेंसिस का पूरा डिटेल नहीं लिया है बट हमने एस्टिमेटेड एक्सपेंसिस लिए, ये आप म्यूचुअल फंड की एस आई पी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। अब ये अगले 10-15 साल में क्योंकि आपके पास समय है छोटी रकम भी 10-15 साल में उसकी काफी छोटी रकम, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इकबाल जी